वर्तमान में अपने देशवासियों पर एक ऐसी सरकार सवार है जो अपने संविधान के मंशा के हिसाब से कल्याणकारी सरकार न होकर संसद में अपनी बहुमत के अहंकार में आकर देश की लगभग 90% गरीब व मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी व अन्य सभी मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय ईमानदार लोगों के लिए ये वरदान की बजाय आए दिन अभिशाप का ही रूप धारण करती जा रही है। इस प्रकार गत 2.5 वर्षों के शासनकाल में इन लोगों के लिए जान का जंजाल तक बन जाने वाली वर्तमान केंद्र की भाजपा व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पर व इसकी आड़ में अपने राजनीतिक स्वार्थ की, जिससे यहां मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के लगभग 90% लोगों ने जिस प्रकार की अप्रत्याशित परेशानी, अपमान व सरदर्दी आदि झेली है व सैकड़ों लोगों ने अपनी जान तक भी गवा दी है, तो ये सब यहाँ आजाद भारत के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा, जिसे लोगों के लिए चाह कर भी भुला पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नोटबंदी के मामले में इनकी अपरिपक्व नीतियों व गलत कार्यशैली होने के कारण अब देश की अधिकांश जनता में इसको लेकर काफी गहरी चिंता अभी तक भी लगातार बरकरार है, जो इनके लिए इस नव वर्ष में भी शुभ संकेत व अच्छे दिन आने के आसार बहुत कम ही दिख रहे हैं। किंतु फिर भी हमारी पार्टी की देश व जनहित में अर्थात केंद्र की वर्तमान सरकार में अब इस नव वर्ष में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिसमें देश की आम जनता अपनी कमाई के ही एक एक पैसे के लिए लाचार ना बनी रहे, लोगों का पैसा उनका अपना बना रहे और नियमों के तहत वे जैसा चाहें, जितना चाहें व जब चाहें उन्हें अपने हिसाब से खर्च करने की पहले जैसी ही आजादी दोबारा से मिल जाए।